नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नित्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है। ऐसे में गुरु सिंह राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा और क्या उपाय करना होगा जिससे पूरा वर्ष आपका बहुत शानदार बीते, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही विशेष माना जाता है क्योंकि गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है। गुरु धन के कारक है, गुरु विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक है, गुरु शिक्षा के कारक है, गुरु आर्थिक स्थिति के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है, बहुत सारे क्षेत्रों के कारक है। और यदि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ भाव में गोचर नहीं कर रहे हैं तो इन सभी क्षेत्रों में रुकावट पैदा होगी, कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी। अष्टम भाव में गुरु का गोचर मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं और अष्टम भाव में गुरु 22 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। अष्टम भाव होता है आयु का, मृत्यु का, अध्यात्म का, ससुराल पक्ष का, व्याधियों का। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई परेशानियां लगी थी, धन खर्च ज्यादा हो रहा था क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही थी और अप्रैल तक पड़ेगी भी, तो आय से ज्यादा खर्चे होंगे, व्यय होगा, नुकसान ज्यादा करवाएंगे। इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो धन भाव में पड़ रही थी तो धन तो दे रहे थे लेकिन खर्चे ज्यादा आपके बढ़ रहे थे। वही इनकी नवम दृष्टि की बात करें तो चौथे भाव में पड़ रही थी, चौथा भाव सुख का होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान का योग तो बना रहे थे लेकिन कर्जा भी लेना पड़ा होगा, कर्ज भी बढ़ा रहे थे, तो ये स्थितियां यहां पर बन रही थी। लेकिन अब क्या होगा, 22 अप्रैल 2023 को गुरु अष्टम भाव को छोड़कर, मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और यहां पर गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही शानदार होता है क्योंकि ये मूल त्रिकोण का भाव है, भाग्य का भाव है, नवम भाव है। यहां पर गुरु जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। एक तो आपके भाग्य को बदलने का काम करेंगे, पिता के संबंधों को मजबूत बनाने का काम करेंगे, नौकरी व्यापार व्यवसाय सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। गुरु धन बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी आय को बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे, किस्मत को बदलने का काम यहां पर गुरु करते थे। गुरु की नवम दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ने वाली है, ये पड़ेगी 22 अप्रैल 2023 के बाद। नवम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी तो उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का भी काम करेंगे और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके लगन भाव में शरीर के क्षेत्र में पड़ेगी जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, नए कार्यों में आपकी करने की रुचि बढ़ेगी और आपको हर क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में पराक्रम भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाई बहने के संबंधों में मजबूती लाने का, मधुर लाने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं करवाएंगे, धार्मिक यात्राएं करवाएंगे, विदेश की यात्राएं करवाएंगे और भी बहुत सारे लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी गुरु आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं 22 अप्रैल 2023 के बाद। धन की स्थिति में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, जिस चीज में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, गुरु बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इस कारण से सिंह राशि वालों के लिए गुरु का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही विशेष है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। गुरु आपके अष्टम भाव के मालिक होकर के ये विराजमान होंगे आपके भाग्य भाव में, तो गुप्त धन देने का भी काम करेंगे, गुण रहस्यों का ज्ञान देने का भी काम करेंगे, आध्यात्म के क्षेत्र में आपका लगाव भी बढ़ेगा,
ससुराल के संबंधों में मधुरता लाने का भी काम यहां पर करेंगे और आपके कर्जों को दूर करने का भी काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का भी काम करेंगे। इस कारण से सिंह राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही शानदार है। किसी प्रकार का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय आपका जो है वो बेहतर रहने वाला है। तो दर्शकों आज बस इतना ही। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479